सरकार के कहने से कुछ नहीं होता है, टीवी पे खाली बैठ के बोलने से कुछ नहीं होता है। खाली नाम है गवर्नमेंट जॉब, सबका आईडी बनाते नकली, सबको पास देते। प्रॉब्लम आम जनता को तो बहुत ही है। घर में खाना नहीं है, दाना डाल के डाल दिया है, दाना चबाएगी हम लोग? हाँ, खाली उसका आटा बनेगा फिर रोटी बनती है, खाली दाना भी नहीं मिलता है वो भी। रेलवे चालू करो, हजार हजार आदमी को जाने दो ना, जैसा इसमें लाइन में बैठाते हो। हाँ, वैसा उसमें बैठा हो यार, पुलिस खड़े कर दो। चार नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आशा है कि आप सभी सुरक्षित होंगे इस कोरोना के काल में। अब हम बातचीत करते हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पे आज आम आदमी निश्चित रूप से परेशान है, वो है यात्रा। सरकार ने कह दिया है कि अपने काम पर आप जाइए अपने घर के रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोजी रोटी के लिए बाहर तो निकले, लेकिन कैसे जाएं? एड़ियां घिसते रहेगा आम आदमी, यात्रा करने के लिए एक ऑटो से दूसरा ऑटो वो लेता रहेगा, लेकिन उसको अपने काम पर पहुंचने में लग जाता है 2 से 3 घंटे। एसटी बस की लाइन में खड़े रहते उसका जो टाइम जाता है उसमें 2 से 3 घंटे उस लाइन में भी लग जाते हैं। ऑटो वाले अपनी मनमानी से पैसे ले रहे हैं, ओला वाले अपनी धड़ल्ले से मनमानी जारी रखे हैं, तो वहीं एसटी बस में उन्हें यात्रा करने के लिए पूरा दिन लग जाता है। यानी सुबह 6 बजे निकले तो ऑफिस पहुँचे 11 बजे और शाम को निकले 6 बजे तो पहुँचे घर पर 11 बजे। अगर इस तरह की यात्रा आम आदमी की एड़ियां घिसने वाली रहेगी तो रोजगार कैसे करेगा? 3 महीने की EMI अभी नहीं भरी है उसने, वो पैसा कहाँ से आएगा? उसका घर चलाना है, रोजगार के लिए जाना है, अगर वो यात्रा में इस तरह पैसा वेस्ट करेगा तो पैसा कहाँ से रुकेगा उसके पास? इन सब बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आम आदमी कहता है कि ट्रेन को चालू करें। ना, ट्रेन को चालू करने की बात ना कहिए, सरकार को बुरा लग जाता है। और सरकार को बुरा सिर्फ इस बात पे लगता है कि उनके खिलाफ मत बोलिए। अरे आपके खिलाफ हम नहीं बोलना चाहते, ट्रेन चालू करिए साहब, आम आदमी परेशान है। आम आदमी परेशान है, उसके दर्द और उसकी आह को सुनिए और ट्रेन को चालू करिए। लोकल ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, आप नियम चालू कर सकते हैं। ऑड इवन, ऑड इवन के अलावा तमाम तंत्र हैं आपके पास, तमाम नियमों का पालन कर सकते हैं और करवा सकते हैं। ये जनता है, पालन जरूर करेगी। आप नियमावली के अनुसार ट्रेन चलाइए, निश्चित रूप से लोग पालन करेंगे। एक दिन छोड़कर एक दिन चलाइए, लेकिन लोगों की सहूलियत के हिसाब से चलाइए, जनता की मांग है। यह एपिसोड नंबर 2, देखिए विशाल गुप्ता की एक खास रिपोर्ट जनता से बातचीत का। मुंबई लोकल बंद होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि मुख्यमंत्री को हमने हमारी मुश्किलें हल करने के लिए चुन के दिया है। अब देखना यह है कि उद्धव सरकार सबसे बड़ी दिक्कत तो यही ट्रांसपोर्टेशन की है। ट्रेन में तो केवल वो सरकारी वाले जाएंगे, प्राइवेट वालों को कहा है, ज़्यादातर तो प्राइवेट वाले ही हैं, 90% तो वो सब यहाँ खड़े रहते हैं। खास करके मंडे को नाला सुपारा से विशेष बसें और अतिरिक्त बसें बढ़ाई जाएं पीक आवर में,
सवेरे कम से कम 8 से लेकर के 10 के बीच में, 4-5 बसें भी एक्स्ट्रा हो जाए तो काम हो जाएगा लोगों का। अब रेलवे स्टेशन की ब्रिज के ऊपर तक उधर लाइन लगी है, ईस्ट तक, बताइए क्या होगा, परेशानी तो होगी ना, लोग स्ट्रेस होते हैं, समय पे पहुंच नहीं पाते, और जो नौकरी वाले हैं उनका बॉस थोड़ी ये देखेगा कि वो कहाँ फंसा है कहाँ नहीं, उसको तो टाइमिंग चाहिए, पेमेंट देता है काट लेगा। लोकल ट्रेन बंद है तो बस से आना आना थोड़ा भारी गिर रहा है, इतना लाइन आप देख रहे हो लगा हुआ है पूरा यहाँ से वहाँ तक, 2 घंटा लाइन लगाओ और फिर इसमें भी 3-4 घंटा जाने में लगेगा, 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी लगेगा, फिर आने में डेली का मगजमारी बढ़ गया है। और दूसरी बात यहाँ पे लाइन लगता है, भाड़ा भी डबल ले रहे हैं। हाँ भाड़ा तो जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अब इसमें कौन कोरोना से इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, उसके वजह से और लोग भी हो सकते हैं ना, बहुत दिक्कत हो रही है बहुत। BST में हम 3-3 घंटा खड़ा रहता है, इधर से जाने में भी आने में भी, घर में खाना नहीं है, दाना डाल दिया, दाना चबाएगी हम लोग, खाली उसका आटा बनेगा फिर रोटी बनती है, खाली दाना भी नहीं मिलता है वो भी, उसको BST चालू करो, ST नहीं तो रेलवे चालू करो, हजार हजार आदमी को जाने दो ना, जैसा इसमें लाइन में बैठाते हो वैसा उसमें बैठा हो, यार पुलिस खड़े कर दो, 4-5 करके उसमें हजार हजार आदमी जाने दो, इसमें भी तो कौन सही, जल्दी से जल्दी ट्रेन चालू करो हमारे लिए, सिर्फ क्या करो, BST में एक टिकट चलता है पूरा दिन के लिए, 50 रुपए का टिकट निकालो पूरा बॉम्बे घूमो, वैसा इसमें भी एक करो, टिकट का भाव थोड़ा कम करो, आज 60 रुपए लेते हैं थोड़ा कम करो, क्योंकि यहाँ से ठाणा जाती है बस ST, वो 45 रुपए लेती है, सेम डिस्टेंस है, और बोरोली का ये 60 रुपए लेते हैं, तो वो भाड़ा कम करो तो कि आम आदमी को थोड़ा राहत मिले, कि सब मिडिल में आदमी है, सब 10-12 हज़ार वाले ही रहते हैं, बस वही अभी भाई हमारे लाइन जाए, बहुत सारी दिक्कत हो रही है, 6 महीने से घर पे बैठा हूँ, लाइट बिल वाला आता है बोलता है लाइट बिल भरो, कहाँ से भरेंगे जब कमाएंगे नहीं तो कहाँ से भरेंगे, ये लॉकडाउन है, ये लाइन लगा के हम लोग 2-2 घंटे से खड़े हैं, क्या लॉकडाउन है, खाली लोकल बंद कर देने से सरकार क्या चाहती है, इसे लोकल ट्रेन नहीं चालू करे, बस में तो हम लोग भीड़ पे एक एक सीट पे 2-2 जन बैठ के जाते हैं इतना सारा, सरकार से यही मांग है कि लोकल जल्द से जल्द सिर्फ लोकल चालू करे ताकि हम लोग का रोजी रोटी चले, यही है सरकार से, बाकी सरकारी कर्मचारी जाते हैं सब ID बना के जाते हैं, डुप्लीकेट बना के जाते हैं, उनके लिए सब अलाउ है, हमारे लिए कुछ फैसिलिटी नहीं है, हर महीने का लाइट बिल घर पे आता है बोलता है घर पे बैठ के ही भरो, तुम ऑनलाइन भरो, कहाँ से भरेंगे जब पैसा नहीं कमाएंगे, तो इतना बस में किराया देने जितना कमाते नहीं उतना तो बस वाला किराया ले लेता है, भाड़ा ले लेता है, कहाँ से लेके आएंगे, सरकार को नहीं समझ में आता है, सरकार का पगार कभी कम हुआ है, सरकारी कर्मचारी का पगार कम हुआ है, हमारा कटता है, हम नहीं जाएंगे तो हमारा कटता है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट वाले हैं, सरकार खाली TV पे आके बोल देती है कि घर का भाड़ा मत लो, दुकान का भाड़ा मत लो, कौन नहीं लिया जरा पता लगाओ, चलो हमारे सोसाइटी में कितने लोग ने लिया और कितने लोग ने निकाल दिया, बोला भाड़ा नहीं दोगे तो निकाल देंगे, सरकार के कहने से कुछ नहीं होता है, TV पे खाली बैठ के बोलने से कुछ नहीं होता है। मुझे दिक्कत इतनी हो रही है, मुझे यहाँ से लाइन में 1 घंटा खड़े रहना है, बस में 2 घंटा प्लस, और आने जाने में खड़े रह के ही जाना है, फिर रात को आने के टाइम पे 1 बज जाता है, 1 बजे आने के बाद घर पे खाना बनाना खाना, फिर सुबह वापस जॉब पे जाना, और ट्रेन चालू है गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए, इतने कौन सी गवर्नमेंट जॉब वाले क्या सबको ट्रेन में, ये सब गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं है तो इनको ऐसे लाइन में खड़ा करो, खाली नाम है गवर्नमेंट जॉब, सबका ID बनाते नकली, सबको पास देते, प्रॉब्लम आम जनता को तो बहुत ही है, फायदा कुछ नहीं है। Audio Jungle.